जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज हम लोग लेक्चर 13 के साथ उपलब्ध हैं और ये न्यू बैच के लिए लेक्चर 13 है और हम आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बताने जाने वाले हैं और वो टर्म है गॉस का प्रमेय। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गॉस के प्रमेय से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम गॉस के प्रमेय से संबंधित कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको जान लेंगे, तब इसके बाद हम लोग गॉस के प्रमेय को देखेंगे। और हम आपको बता दें कि जितना महत्वपूर्ण कूलम्ब का नियम है उतना ही महत्वपूर्ण गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम है। यहाँ से भी हम सूत्रों का डेरिवेशन करेंगे, सूत्रों को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों को पढ़ना होगा क्षेत्रफल सदिश के बारे में। क्षेत्रफल सदिश, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हैं या क्षेत्रफल वेक्टर भी कह सकते हैं। क्षेत्रफल एरिया वेक्टर। अब एक बात आप लोग ज़रा हमारी सुन लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, और सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्षेत्रफल को नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि यह अदिश राशि है, लेकिन अगर किसी समतल का क्षेत्रफल हो ना, तो समतल के क्षेत्रफल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। इसको ध्यान में रख लीजिए, बाद में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्षेत्रफल तो अदिश राशि है, लेकिन अगर किसी समतल का क्षेत्रफल हो, जैसे मान लीजिए अगर ये किसी समतल का क्षेत्रफल हम निकालें, तो समतल का क्षेत्रफल, समतल के क्षेत्रफल में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा जो होती है, एक समतल में स्थित अगर कोई क्षेत्रफल हो, तो समतल में स्थित क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वह लंबवत बाहर के तरफ होती है। लंब इकाई सदिश को हम कैप यन लिख सकते हैं और इसके साथ साथ क्षेत्रफल सदिश को हम वेक्टर ए लिख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि अगर हमें क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल वेक्टर, सदिश को ही तो इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं ना, तो अगर हमें क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर ज्ञात करना हो, तो हम जो है अगर इसके परिमाण में यानी क्षेत्रफल का परिमाण ए हो और उसमें अगर हम इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश से गुणा कर दें, तो क्षेत्रफल सदिश ज्ञात हो जाता है। अब एक बार जरा ध्यान से समझ लीजिए कि नॉर्मली क्षेत्रफल अदिश राशि होती है, लेकिन अगर किसी समतल का क्षेत्रफल हो, तो समतल का क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, क्योंकि समतल के क्षेत्रफल में परिमाण एवं दिशा दोनों होती है और इसकी दिशा जो होती है यह लंबवत बाहर के तरफ होती है। क्षेत्रफल सदिश को हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रफल के लंबवत अगर इकाई सदिश कैप यन हो,
तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू ये होता है ए इंटू कैप एन, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर रहा, अब तो ये आपको याद रहेगा ना कि क्षेत्रफल अदिश राशि होती है, लेकिन अगर किसी समतल का क्षेत्रफल होगा तो वह कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी, हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म आता है घन कोण। घन कोण, घन कोण पूरक राशियां हैं, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, ये पूरक राशि होती है। घन कोण हम लोग कोण पढ़े थे, लेकिन यह कोण नहीं, यह घन कोण है, सॉलिड एंगल है। हम सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जरा ध्यान पूर्वक देखें घन कोण क्या है। देखिए, अगर कोई गोला हो, कोई भी गोला हो, तो गोलीय पृष्ठ के द्वारा, किसी भी प्रकार का गोला हो तो गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण है, गोले, ये जो गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण है, उस कोण को ही हम घन कोण कहते हैं। और घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखे रहिएगा। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण होता है, यह घन कोण कहलाता है। यह न तो मूल राशि है और न ही व्युत्पन्न राशि है, यह एक पूरक राशि है, इसको याद रखे रहिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो और ये जो सामने का क्षेत्रफल देख रहे हैं अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा एल हो, डेल्टा ए हो, लेकिन यह अल्पांश है तो अल्पांश को हम डी से रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है और अल्पांश को डिमिनिश यानी छोटे से प्रदर्शित किया जाता है। ये अगर अल्पांश क्षेत्रफल डी ए हो तो हम आपको बता दें कि इस स्थिति में यहाँ बनने वाला जो अल्पांश घन कोण होगा यह डी ओमेगा हो जाएगा। और जानते हैं डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये घन कोण डी ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी ए अपान आर स्क्वायर होता है, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहे। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि अल्पांश क्षेत्रफल तथा गोले के त्रिज्या के वर्ग का जो अनुपात होता है वह घन कोण होता है, क्योंकि घन कोण को तो हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह अल्पांश घन कोण है इसलिए इसको हम डी ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि कोण का मात्रक रेडियन होता है, आपको मालूम है कि कोण का मात्रक रेडियन होता है, लेकिन घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। घन कोण का मात्र क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, और स्टेरेडियन को एस आर से, शॉर्ट में हम एस आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये याद रखे रहिएगा। अब एक स्टेरेडियन घन कोण कितने के बराबर होता है, जरा इसकी डिफिनेशन देखा जाए। तो इसके लिए अगर डी ए इज इक्वल टू हम आर स्क्वायर मान लें तो देखें क्या मिलेगा, फिर डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए के जगह पे आर स्क्वायर, और नीचे तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा वन स्टेरेडियन।
याद रखे रहना, ये स्ट्रांसियम नहीं है, स्टेरेडियन है, ठीक है। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री होगा तो स्ट्रांसियम हो जाएगा, ये फिजिक्स है, यहाँ स्टेरेडियन है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बता दें, बल्कि देखिए यहाँ कन्फ्यूजन न हो इसलिए यस और आर दोनों का साइज एक बराबर रखिए। नॉर्मली ये एक बराबर होता ही है, यस बड़ा रहेगा आर छोटा रहेगा तो स्ट्रांसियम हो जाएगा, और दोनों का साइज सेम रहेगा तो ये स्टेरेडियन होगा, इसको माइंड में रखे रहिएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो यहां से डी ओमेगा इज इक्वल टू मिल गया हमको वन स्टेरेडियन, तो हम क्या कहेंगे, किसी गोलीय पृष्ठ के या कह लीजिए त्रिज्या के वर्ग के बराबर, गोलीय पृष्ठ के द्वारा, त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला घनकोण एक स्टेरेडियन के बराबर होता है। ये एक स्टेरेडियन की डिफिनेशन है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा, त्रिज्या का वर्ग कर दिया जाए और उसी के बराबर अगर क्षेत्रफल हो तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला जो घनकोण होता है वह एक स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन के इक्वल होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम यह मान लेते हैं कि ये छोटा, ये तो छोटा पृष्ठ लिए थे ना, अब अगर हम पूरा पृष्ठ ले लें तो पूरा पृष्ठ ले लेंगे तो डीए के जगह पर कैपिटल ए हो जाएगा और कैपिटल ए हो जाएगा। सुनिए, तो पूरे गोली देखिए, इतने पृष्ठ के द्वारा अंतरित होने वाला घन कोण डी ओमेगा है, लेकिन जब पूरा पृष्ठ ले लेंगे तो पूरे पृष्ठ के द्वारा अंतरित होने वाले घन कोण को हम ओमेगा मान लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला घन कोण, अंतरित होने वाला कोण ही घन कोण कहलाता है। अब देखिए क्या है, तो अब हम इस पूरे पृष्ठ को ले रहे हैं, तो अगर हम पूरे पृष्ठ को ले लेंगे तो डी ओमेगा के जगह पर ओमेगा हो जाएगा और डेल्टा ए के जगह पर ए हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल ए बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये एरिया गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² और नीचे है ये r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 4πr² 4πr। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गोला हो तो उस गोले के द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला घन कोण जो होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला जो घन कोण होता है वह 4πr² के बराबर होता है। इसको आप सबको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब इसके बाद हम आपको बता दें, एक छोटा सा और टर्म आएगा जिसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत के, स्थिर विद्युत की, ये जो अगला टर्म आपका आएगा वो है स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। छोटे छोटे टर्म पहले हम जान लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब इन छोटे छोटे टर्म को जान लेंगे तो गॉस का प्रमेय बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो स्थिर विद्युत की क्या है, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चारों तरफ एक समान रूप से फैले हुए अस्थायी वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसको हम स्थिर विद्युतकी कहते हैं। और अब हम आपको बता दें कि अगर स्थिर वैद्युतकी में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जाए, कोई ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो बंद हो, चारों तरफ से बंद हो, तो ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को समझ लीजिए
स्थिर वैद्युतकी के अंदर किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को एक अलग नाम दिया गया है और इसको हम कहते हैं गौसियन पृष्ठ। गौसियन पृष्ठ, इस पृष्ठ के बारे में भौतिक विज्ञानी गौस ने बताया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया गौसियन पृष्ठ। तो अगर बाई देवे मान लीजिए आपसे गौसियन पृष्ठ के बारे में पूछा जाए, तो गौसियन पृष्ठ के बारे में आप यही बताएंगे कि स्थिर वैद्युतकी में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो बंद हो, तो बंद काल्पनिक पृष्ठ को ही हम गौसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये सारी जितनी छोटी छोटी बातें हमने आपको बताया, इसको अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग गौस का प्रमेय पढ़ेंगे और फिर गौस के प्रमेय का हम लोग सत्यापन करेंगे और तब गौस के प्रमेय का हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे और गौस के प्रयोग के अनुप्रयोग में ढेर सारे सूत्रों का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो छोटी छोटी बातें बताई गई, जिसमें हमने आपको क्षेत्रफल सदिश बताया, घन कोण बताया और फिर स्टेरेडियन की परिभाषा आपको बताई गई, फिर यह भी बताया गया कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला घन कोण 4π स्टेरेडियन के बराबर होता है, फिर स्थिर वैद्युतकी के बारे में बताया गया और फिर गौसियन पृष्ठ के बारे में बताया गया। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। इसके बाद जब अगला वीडियो बनेगा, जब अगला लेक्चर हम देंगे, लेक्चर 14, तो वहां हम आपको गौस का नियम या गौस का प्रमेय बताएंगे और यह हमारी गारंटी है, गौस का प्रमेय या गौस का नियम और इसका सत्यापन, इसका प्रूफ हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार रखना होगा। और हां, हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं, 9th, 10th, 11th, 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स और सभी बैच, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं, यहाँ पर वाराणसी के टॉप टीचर्स की टीम है जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या सोशल हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट के बहुत बड़े विशेषज्ञ हो, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन चल रहा है और एक निश्चित समय तक एडमिशन चलेगा, जब बैच फुल हो जाएंगे तो एडमिशन बंद कर दिया जाएगा, इसलिए आप तत्काल एडमिशन ले लें। और वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी डिफिनीशन बताई गई, सारी डिफिनीशन आपको समझ में आ गई है, वीडियो देखने वालों को भी समझ में आ गई होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर मोस्ट वेलकम।